आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर सिलवानी से है जो पुलिस अधीक्षक रायसेन श्री विकास साहवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा के निर्देश में अनुभाग सिलवानी अंतर्गत थाना सिलवानी में दो व्यक्तियों को गांजा मादक पदार्थ लिए हुए पकड़ा गया। इसमें ग्राम पाठा पौड़ी के आरोपी नेत्राम पिता बकीला केवट निवासी पट्टा पौड़ी और आरोपी जुबेर खान पिता हबीब खान निवासी सिलवानी ने अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया और थाना बमहौरी में आरोपी मोहनलाल लालवीर गौड़ निवासी ग्राम पटना बमहौरी से अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया। तीनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसके अलावा अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी रामबाबू श्रवण शुभम चाहर सिंह धर्मेंद्र के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और खुलेआम शराब पीने वाले दो व्यक्ति को धारा 36 की आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। एसडीओपी सिलवानी राजेश तिवारी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश है कि नशे से समाज को मुक्त कराने के लिए अवैध रूप से संचालित सभी गतिविधियों को जड़ से खत्म किया जाए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज़।